गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस वीडियो वी रीड सम पार्ट ऑफ लेसन 3 एंड नो अबाउट मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। वेयर फाइंड मिनरल्स एंड विच टाइप्स ऑफ मिनरल्स। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, पावर रिसोर्सेस क्या होते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं और उन्हें किस टाइप से निकाला जा सकता है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इन दिस वीडियो। और साथ ही में ये भी देखा था कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कि कहाँ कहाँ पे हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, कौन कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं और किस रॉक्स में किस टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। साथ में पढ़ा था, डू यू नो यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक्स लुक ब्लू इन कलर। कि अगर कोई भी रॉक हमें ब्लू कलर की दिख रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉपर पाया जाता है। सो अब हम लोग आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ही आगे का पार्ट है। अब हम लोग कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस कॉन्टिनेंट्स में कौन सा मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाउ वी स्टार्ट एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। चाइना और इंडिया आयरन ओर के बड़े डिपॉजिटर हैं और यहाँ पे वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा टिन प्रोड्यूस होती है। जो टिन मेटल होती है ना, टिन, वो मेटल जो है वो आधे से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दिया है, चाइना मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना मलेशिया इंडोनेशिया वर्ल्ड के बड़े टिन प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना टिन के साथ में लेड मतलब सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन जैसी मेटल्स मिनरल्स को भी प्रोड्यूस करता है। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैगनीज बॉक्साइट निकिल जिंक एंड कॉपर। एशिया में टिन के अलावा मैग्नीज बॉक्साइट निकिल जिंक और कॉपर के भी डिपॉजिट्स हैं। नाउ द सेकेंड कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज डैट लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यूरोप भी वर्ल्ड में आयरन ओर का एक बड़ा डिपॉजिटर है, प्रोड्यूसर है। उसकी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, जहाँ पे इसके बड़े डिपॉजिट्स हैं। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। मिनरल्स के कुछ डिपॉजिट्स और भी हैं जैसे कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकेल, जो कि ईस्टर्न यूरोप या यूरोप के रसिया वाले पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन, द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, द प्लेसियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट। ये 3 रीजन्स में डिवाइड है। कनाडा जो ग्रेट लेक वाला रीजन है, अप्लेसियन रीजन और वेस्ट के माउंटेन रीजन्स रेंज। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील्ड रीजन। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर कनाडा वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। एप्लेसिया के रीजन में कोल पाया जाता है एंड वेस्टर्न कैलिडोल्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और वेस्टर्न के कॉरिडोर्स में बहुत बड़े डिपॉजिट हैं कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। एंड द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ब्राज़ील भी है। चिली, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू कॉपर को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ब्राज़ील, बोलीविया आर एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलीविया टिन के बड़े प्रोड्यूसर हैं। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स।
इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो सबसे कॉस्टली सबसे महंगी जो धातुएं हैं डायमंड गोल्ड प्लेटिनम, ये कहाँ पे हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका मिनरल का बहुत धनी सोर्स है, बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली मिनरल्स हैं वो भी वहीं पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्सन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, और वर्ल्ड में गोल्ड का बहुत बड़ा पोर्सन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे प्रोड्यूस करते हैं। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और जो दूसरे मिनरल्स हैं कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी वहाँ पाए जाते हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ऑयल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में बॉक्साइट का बड़ा प्रोड्यूसर है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकिल, और साथ ही में ये गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकिल का भी बड़ा प्रोड्यूसर है। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैगनीज। ये जिंक, मैगनीज, लेड का भी बड़ा प्रोड्यूसर है। कारगुली एंड कुलगाड़ी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया के दो रीजन्स और भी दिए हैं जिनमें हम लोगों के कालगुली और कुलगाड़ी दो बड़े एरिया हैं जहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड में गोल्ड के डिपॉजिट्स पूछेंगे तो हमारे अफ्रीका में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी और कालगुली दो रीज़न हैं। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशियंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज। अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अंटार्कटिका जो है बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मिनरल्स के डिपॉजिट, बड़े डिपॉजिट पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। और ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स में कोयला और ईस्ट के अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स के पास आयरन की बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर, आयरन और ऑयल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आयरन, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि इंडिया और चाइना वर्ल्ड में टिन जो है आधे से ज़्यादा मात्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब आयरन ओर तो यहाँ अच्छा खासा होगा। आयरन हैज़ डिपॉजिट इन हाई ग्रेड आयरन ओर, आयरन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी आयरन ओर की पाई जाती हैं। द मिनरल इन फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बॉक्साइट, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। माइका, माइका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। हम लोग बोल सकते हैं कि माइका सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला और सबसे ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करने वाला, मीन्स बाहर की कंट्रीज़ को देने वाला, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका होता है। माइका हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। कॉपर, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मैगनीज, इंडियाज़ मैगनीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड, कोलार इन कर्नाटक हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। दीज माइंस आर एमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस।
हमारे इंडिया में गोल्ड की एक डिपॉजिट्स हैं कोलार, जो कि कर्नाटक में है, और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गहरी माइन है, जिसमें से इसको गोल्ड को निकालने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। साल्ट, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट, और इंडिया वर्ल्ड में साल्ट का भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों हैं। यूजेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स को हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजअली हार्ड, जिनको हम जेम्स मीन्स रत्न, रत्न और आभूषण बनाने में जिनका यूज़ करते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी, इनको ज्वेलरी में अलग अलग तरीके से सेट किया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइंस टू पाइप्स, तो कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसको लगभग हम लोग हर चीज में यूज करते हैं। हम लोग अगर देखें तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं बर्तनों में कॉपर के बहुत सारे बर्तन, पूजा उजा के बर्तन जो देखते हैं, हाथ के कड़े, अंगूठी, रिंग, कंगन, ब्रेसलेट, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उनमें भी कॉपर पाया जाता है, कॉपर के पाइप्स भी आते हैं, कॉपर के कॉइन्स भी चलते थे। तो कॉपर एक ऐसी मेटल्स है जिसको हम लोग अटेंसिल्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, और वायर्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, और सिलिकॉन जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जो सिलिकॉन ये हमारा क्वार्ट्ज से पाया जाता है, क्वार्ट्ज से निकाला जाता है सिलिकॉन। एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट ओर से निकाला जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स, इवन इन किचन कुकवेयर, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मतलब बॉटल्स बनाई जाती हैं एयरप्लेन्स, उड़ने वाले एरोप्लेन से रिलेटेड चीज़ों में, ऑटोमोबाइल्स में एल्युमिनियम, किचन के बर्तन बनाने में, बिल्डिंग्स में डोर और हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम के डोर, सिटकनी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुंडी बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फिर दिया है एक्टिविटी दी थी ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, बॉक्साइट, मैगनीज एंड माइका विद द हेल्प ऑफ एन एटलस, हम लोग एटलस की हेल्प से इंडिया के में आयरन, बॉक्साइट, मैगनीज और माइका को मार्क करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हम लोग मिनरल्स को कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, सेव किस तरीके से कर सकते हैं। दिया है मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को बनने में और उसको कलेक्ट होने में, कंसंट्रेशन मीन्स कलेक्शन होने में थाउजेंड ईयर्स लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ एट विच द ह्यूमन कंज्यूम्स दीज मिनरल्स, इसके बनने में कि जो रेट है, जो फॉर्मेशन में टाइम लगता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स इसके बनने में जो टाइम लगता है वो इसके ख़त्म होने के टाइम से बहुत कम है। मतलब जितने का ज़्यादा टाइम में ये बहुत कम मात्रा में बन पाता है, और ज़्यादा टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमंस के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोड्यूस प्रोसेस ऑफ माइनिंग, हमें इसकी माइनिंग के टाइम होने वाले इसके वेस्ट को कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व, और रिसाइकलिंग एक दूसरा प्रोसेस है। रिसाइकलिंग का मतलब एक बार अगर मेटल्स हम लोगों के यूजलेस हो गई है तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ करके हम लोग उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे भी हम लोग मेटल्स को कंजर्व कर सकते हैं। दिया है पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर, सनी की माँ की दिन की जो शुरुआत होती है ना वो गीजर ऑन करने से होती है। सी
आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वर्किंग हिम अप, उसके उठने से पहले वो उसके कपड़ों में प्रेस भी कर देती हैं। सी देन रशेज इन द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर, और ब्लेंडर से वो उसके लिए ऑरेंज जूस भी निकालती हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रही, चाहे वो आयरन करने में कर रही हूँ, गीज़र यूज़ करने में कर रही हूँ, या ब्लेंडर करने में कर रही हूँ। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव यू ब्रेकफास्ट, कॉल्स आउट मदर व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। जब उसकी माँ उसके लिए गैस स्टोव पे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, तब वो उससे कहती हैं उसको कि जल्दी से रेडी होके आओ और ब्रेकफास्ट करो। व्हाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन, व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ सी थिंक दैट लाइफ इन द सिटीज मे बी मोर कम्फर्टेबल बट इट डिपेंडेंसी ऑन मोर द मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। उसकी माँ उसके जाने के बाद सारे स्विच बंद करती हैं और सोचती हैं कि हमारे सिटीज़ में लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स मतलब ऐसे यंत्रों पे निर्भर है जो कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और जबकि एनर्जी की डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा गैप है। डिमांड और सप्लाई के बीच मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट, जबकि साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने मिलके हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। पावर और एनर्जी प्लेज अ विटाल रोल इन आवर लाइफ, पावर और एनर्जी ने हमारी लाइफ को चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हम लोगों को पावर जो है वो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में एंड डिफेंस में बहुत सारी जगह यूज़ होती है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, पावर रिसोर्स को कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो रिसोर्सेज में डिवाइड किया गया है, दिया है। कन्वेंशनल रिसोर्स, आखिर कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है, तो जस्ट उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल देखेंगे, जिस टेबल में दिखाया गया है कि कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है हमारे। देखिए दिया है कन्वेंशनल रिसोर्स, कन्वेंशनल रिसोर्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार एरोज बने एक ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट में। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला एरो देखते हैं, दिया है फायरवुड, फायरवुड से होने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इजी एक्सेस, प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और डिसएडवांटेज है कलेक्शन इन टाइम कंज्यूमिंग, इसका कलेक्शन अगर हम लोग लकड़ियों से एनर्जी करते हैं तो उसके कलेक्शन में टाइम बहुत लगता है, पोल्यूटिंग भी होता है, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और पोल्यूशन के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल खत्म होते हैं। नेक्स्ट दिया है कोल, कोल से होने वाले एडवांटेज जो हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, आसानी से मिल जाता है, इफ़िशियंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। डिसएडवांटेज है पोल्यूटिंग सोर्स, कोल से जो है राख बहुत ज़्यादा निकलती है, तो ये हमारा पोल्यूशन भी फैलाता है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉब्लम होती है। दिया है ऊपर ऑयल, ऑयल का एडवांटेज है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का एक बेस है। इधर नेचुरल गैस का एडवांटेज है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, और ऑयल और कोल के लिए क्लीनर का काम करती है, चीपर देन ऑयल और ऑयल की अपेक्षा सस्ती है। डिसएडवांटेज जो है डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्लीपेज एंड गैस लीकेज, गैस जब लीक होती है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, और इसके पोल्यूटेंट्स के कारण एसिड रेन होती है। एक्सप्लोटेशन एंड न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, और इसके ख़त्म होने के बाद नया फ्यूल आसानी से नहीं बन पाता है। नीचे दिया है
हाइडल पावर मतलब पानी से, हाइडल मीन्स पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो। एडवांटेज है नॉन पोल्यूटिंग, पोल्यूशन नहीं होता है, चीप सस्ती भी होती है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग और सिंचाई और फिशिंग मतलब मछलियों को पालने को भी बढ़ावा देती है। डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, वहाँ से लोकल कम्युनिटी को हटाना पड़ता है, इन अनडेट स्लो और कई जगहों पे पानी ज़्यादा मात्रा में भर जाता निचले एरियाज़ में, एक्सपेंसिव टू सेट अप और इसको लगाना जो है वो एक्सपेंसिव होता है, इस्टेब्लिश नहीं आसानी से सस्ते तरीके से किया जा सकता। दिया था कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जिनका यूज़ हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे कि फायर वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये दो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री, मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड, 50% एनर्जी जो है विलेजर्स के थ्रू फायरवुड के से यूज़ की जाती, मतलब लकड़ियों से ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आगे दिया है कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाई द हीट एंड प्रेशर इन टू फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। हमने पहले भी बताया था कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कि डेड प्लांट्स एनिमल्स के कुछ पार्ट्स जो हैं वो अर्थ में दब जाते हैं हीट और प्रेशर के इफेक्ट से, वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल जो हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे फॉसिल फ्यूल हैं और ये कन्वेंशनल एनर्जी के एक बड़े सोर्स हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फॉर ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड सून। इनके जो रिजर्व हैं मतलब ये जहाँ पे स्टोर किए गए हैं वो, इनके स्टोर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही जिसके कारण इसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी से इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, एक्सहॉस्टेड मीन्स खत्म हो जाएंगे। कोल, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, ये जब बहुतायत में आसानी से मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, आयरन, स्टील या स्टीम इंजन की इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। जो कोल आज के टाइम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हजारों सालों पहले बहुत बड़े पेड़ों, फर्न कई एक तरीके की पेड़ों की ही, पौधों की ही प्रजातियां होती हैं, और स्वैम्प्स मीन्स दलदल, ऐसी कई सारी चीज़ों के अर्थ में दब जाने के बाद बना था। कोल इज़ देयर फॉर रिफर टू एज बरीड सनशाइन, इसीलिए इसको हम लोग बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। वर्ल्ड में चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस हैं। एंड कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल है। नेक्स्ट दिया है पेट्रोलियम, द पेट्रोल डैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज दैट द ऑयल डैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विंग बोथ बिगन एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि हमारी कार को चलाने के लिए, हमारी साइकिल से जो बहुत स्क्वीकिंग मीन्स चरचराहट की आवाज़ आने लगती है, उसको रोकने के लिए जो लिक्विड ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं वो पेट्रोलियम होता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, और इसको हम लोग मशीनों के थ्रू ड्रिल करके ऑयल फील्ड से निकालते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं।
दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। और इसको रिफाइन करने के लिए हम लोग रिफाइनरीज में भेजते हैं और उसके बाद इससे कई अन्य प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर USA, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। दिया है वर्ड ऑरिजिन में, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, पेट्रोलियम मीनिंग ऑयल, मतलब रॉक से निकलने वाला ऑयल, तो उसको बोला गया पेट्रोलियम, रॉक ऑयल। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डिपॉजिट से ही नेचुरल गैस भी निकलती है। जब हम लोग ऑयल को उसकी सरफेस से निकालते हैं तो साथ ही में ये भी रिलीज़ होती है। इट कैन बी यूज्ड एज द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको हम लोग घरों और इंडस्ट्री के फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। रसिया, नॉर्वे, UK एंड नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ सोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशियंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन, और बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है। इंडिया में त्रिपुरा और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, जैसलमेर, मुंबई, ऐसी कई जगहों पे नेचुरल गैस पाई जाती है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत बड़ी मात्रा में इसका कंजम्पशन, इसका यूज़ होना इसके रेट को कम कर रहा है। द टॉक्सिक, इसकी मात्राओं को कम करा। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर आल्सो द कॉज ऑफ कंसर्न, और जो इससे रिलीज़ होने वाले बहुत सारे खतरनाक विषैले प्रदूषक भी हैं जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, और अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिना चेक किए हुए फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना या फिर अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, उसका लगातार टपकता रहना, इसको सूख जाने का भी एक कारण है। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसलिए हमें ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स की साफ सफाई, उनको स्वच्छ रखने का, उनको साफ रखने का ध्यान बराबर रखना चाहिए। डू यू नो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल्स फ्यूज एज इट कॉज इज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा हम लोग अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG को यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए इको फ्रेंडली, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है और पॉल्यूशन भी इससे नहीं होता है। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन नाउ रीड द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो।